Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Gaurav Sharma, and today I will discuss our new topic, Maxwell relationship, which is very important for your NET and GATE examination. So let's start this topic. So Maxwell was a scientist who said that energy is a state function. Energy is a state function. Maxwell used Euler theorem. Maxwell used Euler theorem to solve out about energy, and they said that energy is a state function. So what is the state function? वो प्रोसेस जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं. वे फंक्शन या फिर वो वर्क जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं उनको बोलते हैं कि वो क्या है, स्टेट फंक्शन है. तो एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन गिवन बाय मैक्सवेल. व्हाट इज द पाथ फंक्शन? व्हाट इज द पाथ फंक्शन? इन पाथ फंक्शन प्रोसेस आर पाथ डिपेंडेंट. प्रोसेस आर पाथ डिपेंडेंट. तो इसमें क्या होगा कि आपके कोई रिएक्शन हो रही है ए टू बी इससे सी, तो जो आपकी रिएक्शन होगी वो इस कंप्लीट पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी कि किस स्टेप में क्या रिएक्शन हो रही है. बट अगर हम बात करें स्टेट फंक्शन की, तो जो हमारा प्रोसेस होता है वो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करता है. ये बीच वाला जो भी इंटरमीडिएट या फिर ट्रांजिशन स्टेट वगैरह बनती है उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है. वे प्रोसेस जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करते हैं उनको बोलते हैं स्टेट फंक्शन, और जो हमारे पाथ पे डिपेंड रहते हैं उनको बोलते हैं पाथ फंक्शन. आपके पास जो वर्क होता है और हीट होती है, वर्क और हीट आपके क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं. वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन. बट थर्मोडायनेमिक पैरामीटर लाइक एच ए जी यू दिस ऑल आर स्टेट फंक्शन. वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन बट एच ए जी यू दिस आर थर्मोडायनेमिक पैरामीटर. इफ वी डू साइक्लिक इंट्रीगेशन, इफ वी डू साइक्लिक इंट्रीगेशन, साइक्लिक इंट्रीगेशन ऑफ स्टेट फंक्शन, साइक्लिक इंट्रीगेशन ऑफ स्टेट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो. द साइक्लिक इंट्रीगेशन ऑफ स्टेट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो. सो is zero. The cyclic integration of state function is zero. So the cyclic integration of h, g, u and a are zero, right? But for path function, for path function it will not equal to zero. ये path function के लिए cyclic integration होता है कभी भी zero के equal नहीं आता है. ये सिर्फ path function के लिए क्या होगा, यहाँ पे zero के equal आने लगते हैं. आपके net और gate में question पूछे गए हैं, net gate में question पूछा गया है कि इनमें से कौन सा state function होगा या फिर कौन सा state function नहीं होगा. तो जो भी स्टेट फंक्शन होते हैं उनके सभी साइक्लिक इंट्रीगेशन हमेशा क्या, जीरो के इक्वल होते हैं. बट जो आपके पाथ फंक्शन होते हैं वो हमेशा ही जीरो के इक्वल नहीं आएंगे. राइट, नाउ
हम कैसे मैक्सवेल रिलेशनशिप निकालते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे एस पी वी टी, दिस इज एंट्रोपी, दिस इज प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। हेयर राइट डाउन एच, हेयर जी, हेयर ए and here U is internal energy, U is internal energy and this is Gibbs free energy and this is Helmholtz constant. So these are positive, write down here positive, here also positive, this is negative and this is also negative. Now draw an arrow S to T and P to V. This is a box which is very important for your Maxwell relationship. हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें किसी का Maxwell relationship निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे? Suppose मुझे निकालना है relationship DU का. मुझे निकालना है value DU की, तो मैं कैसे निकालूंगा? DU के जो आसपास है, एक तो S है या फिर क्या है B है, जो इसके आसपास होते हैं, जो इसके नेबर में होते हैं, उनको हम क्या करेंगे, DS और DV के साथ लिखेंगे, जो इसके नेबर में होते हैं इसको DS और DV, मैंने इसको ऐसे लिख लिया है बिकॉज हेयर इज पॉजिटिव, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इसको क्या लिखेंगे, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके सामने माइनस लिखा हुआ है, तो दिस इज माइनस। नाउ इसके सामने है क्या, क्रॉस एरो में देखेंगे टी, जो इसके सामने क्रॉस में टी लिखा है उसको यहां पे लिखेंगे और जो बी के सामने क्रॉस में लिखा है उसको यहां पे लिखेंगे, तो बी के क्रॉस में कौन है यहां पे, टी, तो मैंने यहां पे क्या किया, पी लिख दिया है, राइट। दिस इज द इक्वेशन फॉर इंटरनल एनर्जी। नाउ फॉर एच, सो फॉर एच हियर द नेबरिंग ऑफ एच इज एस एंड पी, सो आई राइट डी एस एंड डी पी, बट बोथ आर पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, सो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, राइट, बिकॉज हेयर इज पॉजिटिव पॉजिटिव, सो बोथ आर पॉजिटिव। नाउ एस के आगे एरो में टी लिखा है तो यहां पे लिखेंगे टी, टी के सामने वी लिखा है तो यहां पे वी लिखेंगे, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर डी एच। नाउ फॉर डी ए, सो डी ए में देख रहे हैं इसकी जो नेबर में है बी एंड टी, सो इसे लिखेंगे डी वी देन डी टी, इसके सामने क्या है माइनस है, इसके सामने भी क्या है माइनस है, तो मैं क्या करता हूं दोनों के सामने ही माइनस को लगा देता हूं, राइट। अब बी के सामने लिखा है पी और टी के सामने लिखा है एस, तो इसको यहां पे हम लिख देते हैं एस डी टी। ये क्वेश्चन आ गई हमारी ए के लिए, हमने जैसे इक्वेशन निकालनी है जी के लिए, डी जी इज इक्वल टू, यहां पे इसके नेबर में पी एंड टी है, तो मैं क्या करूंगा पहले डी पी माइनस, सॉरी डी पी, यहां पे क्या लिखूंगा डी टी, डी पी डी टी, डी टी के सामने माइनस है तो यहां पे क्या माइनस लगाएंगे, टी के सामने क्या है एस, तो मैं यहां पे एस लिख देता हूं, टी के सामने कौन है बी, तो यहां पे आ गया, और वी भी क्या हमारा नेगेटिव है, सॉरी जी के सामने कौन है पी एंड टी, पी इज पॉजिटिव और पी के सामने क्या है बी है, तो मैंने क्या लिखा बी डी पी माइनस एस डी टी, राइट। दिस इज द इक्वेशन फॉर जी, गिब्स फ्री एनर्जी। सो दीज आर द इक्वेशन गिवन बाय मैक्सवेल, राइट। सो दीज आर द मैक्सवेल रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, H, T, V, A, P, S. So this is, these are the Maxwell relationship. Now there are another relationship. What is this? The first one is, suppose they give DS
अपॉन डी वी, डी एस अपॉन डी वी। तो इसमें क्या करना होगा हमें, डी एस अपॉन डी वी उसके इक्वल हम क्या करेंगे, यहां ऊपर एस है और नीचे वी है, जो इसके आगे है एस के सामने पी है, तो इसके सामने पी लिखूंगा ऐसे ही डी पी, वी के सामने टी है तो मैं क्या लिखता हूं यहां पे डी टी। इसको मैंने इसका मैंने क्या किया है, डिफरेंशिएशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो मैंने क्या किया इसको एस अपॉन वी लिखा, जो इसके सामने है उसको क्या लिखेंगे पी अपॉन टी, जिसके सामने है उसको पी अपॉन टी लिखेंगे। अब अगर यहां पर नीचे टी है तो यहां पे टी लिखेंगे, और अगर यहां पे वी है यहां पे वी लिखेंगे, जो नीचे डेरिवेशन या फिर ड्राइव में होगा डोमिनेटर में होगा उसको ही कॉन्स्टेंट बनाएंगे सामने वाले। अगर यहां पे टी है तो यहां पे टी लिखेंगे, यहां पे वी है तो वहां वी लिख दिया, यहां पे जो नीचे होता है वो ही दूसरे वाले का कॉन्स्टेंट होता है, राइट। सो इट इज अनदर रिलेशनशिप फॉर एंट्रोपी एंड प्रेशर। नाउ अगेन हियर डीएस अपॉन, सपोज आई एम टेकिंग डीएस अपॉन डीपी, डीएस अपॉन डीपी। अब क्या होगा, इनके जो सामने कौन है, एस के सामने वी है और टी के सामने टी है, तो एस के सामने वी है तो मैं लिखता हूं डी वी, टी के सामने टी है तो मैं लिखता हूं डी टी। मैं देख रहा हूं वी के सामने एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो यहां पे क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव है, इसके सामने कोई चार्ज नहीं आएगा, लेकिन वी क्या है नेगेटिव है, इसलिए मैंने क्या इसके सामने एक नेगेटिव चार्ज भी लगा दिया है। अब जो यहाँ पे नीचे है वो कहां पे कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे नीचे है वो कहां पे कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, हमारी सेकेंड एक्सेलेंट रिलेशनशिप है। थर्ड वन इज डीपी अपॉन डीटी, डीपी अपॉन डीटी इक्वल टू व्हाट, डीएस टी के सामने एस है तो डीएस, टी के सामने वी है तो डी वी, डीपी अपॉन डी टी, डीपी अपॉन डी टी इक्वल टू डी एस अपॉन डी वी। यहां पे वी नीचे है तो यहां पे वी कॉन्स्टेंट, यहां पे टी है यहां पे टी कॉन्स्टेंट, राइट। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसलिए कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा। फोर्थ नंबर क्या, डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू और डी वी अपॉन डी टी, वी के सामने एस तो डी एस, टी के सामने पी तो डी पी, टी के सामने एस है और टी के सामने पी है, तो मैंने क्या किया उनको ऐसे ही रख दिया है। अब V के सामने क्या है, नेगेटिव भी है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं नेगेटिव साइन को लगाऊंगा, यहां पे मैंने नेगेटिव लगाया। अब P नीचे है तो P यहां पे कॉन्स्टेंट, यहां पे T नीचे है तो यहां पे T कॉन्स्टेंट। तो इस तरह से हमारे पास चार मैक्सवेल रिलेशनशिप आ गई है। हमें क्या करना है, जिसकी मैक्सवेल रिलेशनशिप निकालनी है उनको ऊपर नीचे रख लेना है, उनके सामने वाले को भी ऐसे रखेंगे, जो यहां पे होगा वो यहां पे कॉन्स्टेंट, जो यहां पे होगा वो यहां पे कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो ये क्या है, हमारी मैक्सवेल रिलेशनशिप है। इससे क्या कर सकते हैं, इसीलिए मैक्सवेल रिलेशनशिप से ये आपके नेट में क्या करता है वो, कि एक अदर साइड पर दे देता है कि इसके इक्वल क्या होगा, तो आपको क्या करना रहता है, इस मैक्सवेल रिलेशनशिप बॉक्स को यूज करके हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को निकाल लेते हैं, राइट। तो मैंने क्या किया है, मैंने चारों रिलेशनशिप को यहाँ पे लिख दिया है। अब मुझे क्या करना होगा, इनको क्रॉस चेक करना होगा। क्रॉस चेक बोले तो कि मैंने जो डेरिवेशन या फिर मैंने जो रिलेशन निकाला है वो सही भी है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा इसको क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, पीवी इज इक्वल टू एसपी, ये कैसे क्रॉस चेक करके देखेंगे, पीवी इज इक्वल टू एसपी, तो ये कैसे होगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो पीवी पीवी, और इसकी इधर करेंगे एस टी, तो पीवी एस टी होना चाहिए।
यहां देख सकते हैं पीवी एस टी, हेयर अगेन पीवी एस टी, जो क्रॉस क्रॉस में होगा वो पीवी एस टी का रिलेशन होना चाहिए। यहां पे देखेंगे पीवी एस टी। तो हम मैक्सवेल थ्योरम में जब हम रिलेशनशिप बनाएंगे हम सब क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमेशा जो रिलेशन आएगा वो कैसा आएगा, पीवी इक्वल टू एस टी। क्रॉस में इसको क्या करके देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन करके देखेंगे, पीवी इक्वल टू एस टी, पीवी इक्वल टू एस टी, पीवी इक्वल टू एस टी। तो क्या होगा हमारा हर जगह पे ये अप्लाई होगा। अगर ये पीवी इक्वल टू एस टी आ रहा है तो हमारी मैक्सवेल रिलेशन सही है, नहीं तो क्या होती है गलत हो जाती है। एक और चीज याद रखेंगे, एक तो ये हो गया, दूसरे क्या रहेगा कि जो ऑपरेटर है, जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर बोले तो ये अगर कोई यहां पे नीचे है वो इधर कॉन्स्टेंट होगा, अगर कोई यहां नीचे है तो वो उधर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इन दो चीजों को हम याद रखेंगे, क्रॉस चेक को और ऑपरेटर को। अगर कोई नीचे यहां पे है तो यहां पे कॉन्स्टेंट होगा, अगर कोई नीचे यहां पे है तो वो वहां पे कॉन्स्टेंट हो जाएगा। सो इट इज ऑल अबाउट मैक्सवेल रिलेशनशिप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नेट एंड ईएट एग्जामिनेशन। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, गुड लक।